इनका हिंदी इंग्लिश चलेगा चलेगा आपको डू यू एग्री विद दिस यू नो आफ्टर सराट कमर्शियली इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मराठी फिल्म इंडस्ट्री नो आई थिंक इट वाज स्टार्ट फ्रॉम टाइम पास व्हिच इज 2014 टू वेव एंगल व्हिच वी ब्रोक फर्स्ट टाइम 35 सीआर एंड देन वन बाय ईयर वी आर गोइंग अप एंड अप एंड अप आई थिंक राइट नाउ सराट क्रॉस ऑन 85 बट दिस इज नॉट इनफ आई थिंक वी हैव टू क्रॉस 100 वेरी सून and the entire Marathi industry is working towards that and I am 100% sure that in 2016 or 2017 we are going to cross 100 crore. Okay, do you agree with this, you know, when banner like Eros comes on board, how the battle is won in terms of distribution, you yourself is very smart in terms of distributing the film, you know Marathi industry, you know Marathi pulse, what have you said about this? It's a great combination, I can say. It's a very great, because what happened in Marathi industry, there are lots of producers come normally, they don't know anything about production. But now the big banner like Eros, when they comes to a production of producing a Marathi film, it's more scientific marketing, it's more scientific producing. So the director is 100% sure that my film will reach out to people. He's 100% sure ki mere film aake nahi jayenge aur logo tak pahunchenge. Then it's up to film ki wo film chalegi ki nahi chalegi. But like studios like Eros, wo log har cheez wo karenge logo tak pahunchne ke liye, and that thing is a great thing. I think most studios abhi Marathi mein aa rahe hain Eros jaise, and it's very welcoming for everybody. Okay, and zara Hatke kis tarah ki film hogi aapse jana chahunga, naam hi bahut interesting lagta hai, you know, prem prava pan zara Hatke, matlab pyar karna lekin zara Hatke. Sir, ye हम लोग एक्चुअली टाइटल ढूंढ रहे थे कि क्या करें इसका, और रवि सर को सूझा है टाइटल, ये थोड़ी सी अलग सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें और लव स्टोरी है, लेकिन अपनी अपनी एक जिसको हम लोग दुविधा है उसमें वो है. तो जैसा मैंने अभी कहा थोड़े समय पहले कि एक माँ है मिडिल एज्ड और अपनी 17 साल की लड़की को कहती है कि मैं वापस शादी कर रही हूँ, तो देख ले क्या जो तो ये वन लाइन में हमें बहुत पसंद आई थी, और हम लोग सोच रहे थे कि क्या क्या टाइटल रखें इसका, टाइटल सूझ नहीं रहा था बहुत समय तक. तो रवि सर ने बोला कि ये एंड एक तो जो दो चीज़ों को जोड़ता है, और कास्टिंग किस बिना कास्टिंग अगर देखेंगे इनको बंगाली एक्टर नज़र आते हैं जी. अगेन ये कास्टिंग क्रेडिट गोज़ टू एरोस एंड रवि सर. मैं थोड़ा सा क्लीशे सोच रहा था कि प्रणाम मैम के सामने जो नाम जो हमेशा आते हैं उनको उनके ही मैंने वही शॉर्टलिस्ट किया 2-3 नामों को. तो रवि सर बोले कि आगे कुछ अलग करना चाहिए सर, आगे हम लोग कुछ कहानी अलग है, कहानी अलग है हमेशा सब लोग बोलते हैं, बट कहानी सचमुच में अलग है. और तो सर बोले कि अगर प्रोबेबली और खट्टा मट्टा बहुत बड़ी फिल्म है तो तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जब मैं बच्चा था तो जो फिल्में देख के मुझे मज़ा आता था उसमें से उस टाइप का, तो मुझे वैसे बहुत ढूंढ ढूंढ के इस सब फील्ड में, तो जब सोचा कि क्या करना है तो वो याद आ गया कि या जो कनेक्ट हो लोगों को, जो अपना लगे, ऐसा कुछ करना है. थैंक्स अ लॉट. आजा चला गया. अरे वाह, ये सवाल मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट डीप इन माई माइंड आई वॉन्टेड समबडी टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी. सच्ची में बाशुदा की जो फिल्में हमने देखी है उसी जॉनर की ये फिल्म है, और कहते तो हम हैं कि दो इंसान एक दूसरे जब मिल जाते हैं और चाहते हैं कि हम एक साथ ज़िंदगी निभाएं, शादी करें, तो चाहते तो वो हैं, लेकिन उसका असर बहुत सारे लोगों पे गिरता है, बच्चों पे स्पेशली, एंड टू द क्लोज फैमिलीज एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी. तो ये फैमिली ज़रूर उन फिल्मों की याद दिलाएगी जो कई साल पहले बाशुदा ने शुरू की थी, लेकिन हम कहीं छोड़ आए उस टाइप की फिल्में, वो सिंपल सा कंटेंट जो हमारी आम जिंदगी को छू जाता है, जो हमारी लाइफ में हो सकता है ऐसा कंटेंट हम कहीं छोड़ आए हैं, और ये फिल्म ज़रूर उस कंटेंट की, उन डायरेक्टर्स की और उन फिल्मों की याद आपको दिलाए. See, I was extremely happy because I've been directing films now, and when a fresh script comes, you expect a lot from that script. कि अगर कुछ बहुत ही हटके होगा तो ही मैं करूँगी, इसका तो नाम ही हटके है एंड ज़रा हटके. तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू रीड द स्क्रिप्ट. सेकेंडली द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म
he had made a film called Coffee Ani Baras Kahi, successful film, and very nice film, which speaks a lot about relationships. The first film which I made as a director was called Prem Manje Prem Asa, and this film is very close to that film. But in that film, I had a little serious overview of this problem. But in this film, बहुत light तरीके से छुआ है इस subject को. जब दो इंसान दूसरी बार शादी करना चाहते एक एक पार्टनर हो जाने के बाद तब लाइफ में क्या क्या मज़ेदार वाक़े हो सकते हैं ये फिल्म दिखाएगी. सो आई वॉज़ वेरी वेरी कीन कि अरे ये बहुत ही अलग एंगल से ये सब्जेक्ट को छुआ है और मुझे बिल्कुल गोलमाल की और बातों बातों में और खट्टा मीठा इन सारी फिल्मों की याद आई. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू पोर्ट्रे द रोल विच आई वॉज ऑफर्ड. आई प्ले मीरा इन दिस एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी अबाउट इंद्रनील्स कास्टिंग ऑपोजिट मी बिकॉज मराठी में एक बहुत प्रोटोटाइप कास्टिंग हो गया है तो क्या लग कर सकते ये रवि ने सोचा. एंड ही साइंड अ बंगाली एक्टर टू प्ले अ बंगाली कैरेक्टर ऑपोजिट मी. और जो नए फ्रेश बच्चे हैं सिद्धार्थ मेनन उनके साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ लेकिन जो लड़की है शिवानी हु प्लेज माई डॉटर उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया. एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप निखर के आएगा बिकॉज मदर टॉकिंग टू हर डॉटर अबाउट हर रिलेशनशिप एंड मदर वेटिंग फॉर एन अप्रूवल फ्रॉम द डॉटर ये एक बहुत ही अलग किस्म का रिलेशनशिप मुझे लगा. एंड बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इरोस ने जो डिफरेंस इस कहानी में है उसको जाना पहचाना और वो आपके सामने इरोस लेके आ रही है फिल्म. एंड ज़रा हटके 22 जुलाई प्लीज़ वॉच इट इन थिएटर्स. ओके क्या आप मानती हैं कि मराठी इंडस्ट्री की हम बात करें अब सराट की मैं हाल में बात करूँ जिस तरह की कमर्शियल सक्सेस मिली है जिस तरह से लोगों ने सराहा है जिस तरह के फिल्म की कामयाबी के बाद आर्टिस्ट को इतना सम्मान दिया गया है यू नो फाइनेंशियली हर तरह से हम मानते हैं कि मराठी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है जो भी अभी तक बाहर नहीं आया है आ सकता है अगर यू नो इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी टू द ऑडियंस. मुझे लगता है टैलेंट तो हमेशा से था बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम मराठी राइट. फर्स्ट फिल्म वॉज मराठी फिल्म. दादा साहेब फाल्के वॉज मराठी एंड मराठी फिल्म्स हैज़ गॉट अ लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वेरी 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 गुड कॉन्टेंट एंड गुड डायरेक्टर्स एंड ब्रिलियंट एक्टर्स. अगर हम पुरानी हिंदी फिल्में भी देखें पुरानी मराठी फिल्में भी देखें तो सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी होती थी. मुझे याद है कि कई सारी फिल्में फॉर इंस्टेंस बी आर चोपड़ा जी ने कई सारी मराठी फिल्मों को हिंदी में वापस लाए थे वो पूरे नेशनल ऑडियंस के लिए. सो कंटेंट की कभी कमी नहीं थी मराठी में. कंटेंट हमेशा से अच्छा है. इतना अच्छा लिटरेचर है मराठी में वो कई फिल्मों के ज़रिए फिल्मों लोगों तक पहुंचा है फिल्मों में आया हुआ है. एंड एक्सपेरिमेंट्स भी मराठी में होते हैं. मैक्सिमम फिल्म्स जो ऑस्कर तक पहुँची है वो हाल ही में मराठी पहुँची हैं. And अभी technically Marathi films are very very sound. They look good, actors are good, the content is good. So एक ही कमी थी कि audience. तो audience अभी not only Maharashtrian audience लेकिन non Maharashtrian audience भी बहुत curious हो चुका है Marathi फिल्मों के बारे में. It's a very good sign. So जो प्रादेशिक languages हैं तो उनमें मराठी इज़ रॉकिंग एंड आई बिलीव बंगाली ऑल्सो इज़ रॉकिंग. साउथ इंडियन लैंग्वेजेस दे रॉक लेकिन मराठी में मराठी ने एक अपनी छाप छोड़ी है. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. मैंने तो झाला तो बस.